स्पेशली मेरे लिए मैंगो जूस लेके आए, थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा हो रहा है, ये देखो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। किस चीज से हुआ पता नहीं, सर से तो नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। गाइस इस वक्त बज रहे हैं शाम के 6 और इस वक्त अभी हम ऑफिस से निकल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, और उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश और फरमान होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी एकदम फिट फाइन और शाइन आप सब की दुआओं से। तो चैनल पे जितने भी नए आने वाले लोग हैं उन सब से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर और इसके अलावा सब्सक्राइब कर दें। तो गाइज अल्हम्दुलिल्लाह आज 17वां रोज़ा है और आज 17वें रोज़े की इफ्तारी जो है ना ऑफिस की तरफ से की जा रही है। तो अभी हम जो है ऑफिस से निकले हैं और यहाँ पर ना गाइज चार ऑफिस में ठीक ठाक ट्रैफिक हो रहा है। ये गाड़ी वाला ना घुसने वाला था, मेरे ख्याल से वलीद भाई हैं, वलीद सेठ हैं हमारे ऑफिस में आते हैं वलीद सेठ। तो खैर सीन ऐसा है गाइज, अभी हम सब निकले हैं अफ्तारी के लिए और अफ्तारी का सीन जो है खालिद बिन वलीद रोड पे एक रेस्टोरेंट है। क्या रेस्टोरेंट का नाम है? मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, जो कि बहुत ही अच्छे शायर थे। तो खैर गालिब रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम अफ्तारी पे जा रहे हैं ऑफिस की तरफ से, और आज मेरी बेगम और घर वाले अकेले अफ्तारी करेंगे, और हसीब के भी घर वाले, हसीब की बेगम तो नहीं है और ना मेरे साथ मौजूद जो सब ड्राइव कर रहे हैं हसन भाई, उनकी भी बेगम नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाली है उनकी भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये कैसी बात है, अच्छी बातें करो ना रमजान में, ऐसी बातें करो, अच्छी बातें करो यार, इंशाल्लाह अच्छी चीज है यार। तुमने एक चीज का मेंशन नहीं किया, वो असर की नमाज पढ़ी है। हाँ नमाजें, हाँ हाँ वो बिल्कुल सब कुछ कर चुके हैं, ऑफिस में काम वगैरह कर चुके हैं गाइस, और नमाजें असर अदा करी है और अभी जो है ना हम रुखसत हुए हैं और रास्ते में अभी इंशाल्लाह मिलते हैं आप सबसे वहीं पहुंच के। और जब तक चैनल पे जितने भी नए आने वाले लोग हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे जो है ना ईद से पहले 100K तक पहुँच जाए, ताकि हमारी दुकान चमक जाए, वलीद भाई तो लिफ्ट नहीं करा रहे भाई, वलीद भाई बात में मगन है, वलीद भाई के साथ फरहान भाई होंगे, फरहान भाई होंगे, कोई और फरहान भाई है, चलो भाई ये दोनों ना आपस में ना बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर हैं, कभी भी मतलब जा रहे होंगे ना तो बिल्कुल जो है ना अपनी लास्ट टाइम याद है फरहान भाई को डराया था, याद है सदर जाते हुए, हाँ भाई फरहान भाई डरे थे ना पीछे से बाइक लिए, फरहान भाई को रुको ऐसे डराया ना फरहान भाई, अच्छा हिल गए फूल फरहान भाई ने, मतलब आज तो भाई गए रमजान में ही गए ईदी मांगने आ गए, फरहान भाई के साथ गली भाई थे ना, वही मैं कह रहा हूँ फरीद भाई के साथ जब भी होते हैं अपनी धुन में मगन होते हैं ना, इधर देखते ना उधर देखते हैं। अच्छा क्रिकेट खेलने भी आते थे ना तब साथ आते थे, याद है कजन थे ना, अच्छा कजन थे, नहीं पता था, नहीं कजन थे, फर्स्ट कजन था। अच्छा भाई फरहान भाई और वलीद भाई कजन से आपस में। तो गाइस हमें कहा गया कि 6:15 तक पहुंच जाएगा रेस्टोरेंट, वरना जो ना आपकी एंट्री मुश्किल हो जाएगी, और यहाँ पर ट्रैफिक देखेंगे गाइस शहर फैसल पे, अभी हमारे पास 13 मिनट हैं, आप देखते हैं क्या बनता है। आसिफ भाई जी भाई स्ट्रेटेजी पता है ना, पकौड़ों समोसों फ्रूट चाट तो नॉर्मली हम घर पे, हाँ इनको देखना ही नहीं, ये जहाँ पर अलग खाना है, अलग अलग का हसन भाई कुछ गाइड करेंगे, वैसे मेन्यू क्या है पता है, बुफे में भी मेन्यू होगा ना, क्या होगा आइटम्स क्या होंगे, देसी होगा फास्ट फूड होगा, पेरी पेरी बाइट्स होंगे, डायनामाइट चिकन होगी, अल्फ्रेडो पास्ता होगा, इसके अलावा बारबेक्यू टिक्का होगा, सब्जी होगी, कढ़ाई होगी, मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, कहीं तुम इसी रेस्टोरेंट में काम तो नहीं करते, नहीं बट मुझे मेन्यू अच्छे से याद, सही याद किया भाई इसने। तो गाइस हमारे कुछ कोलीग्स ऑलरेडी पहुंच गए, हेलो बाजा साहब, अच्छा जी जहां हमने जाना रेस्टोरेंट जाना रूफ टॉप पे लोकेटेड है भाई, मज़ा आएगा रूफ टॉप पे, और ऊपर से आपको व्यू दिखाएंगे पूरे इस ट्रैफिक का। तो वलीद भाई हमारे साथ पहुंच गए, अस्सलाम वालेकुम, गाड़ी चलाते हुए तो आप इधर उधर बिल्कुल नहीं देखते यार, और ये हैं फरहान भाई, और यहाँ पर जो ना गाड़ी लाइन बना के सब जा रहे हैं, काफ़ी रश हो रहा है, और रूफ टॉप पे रेस्टोरेंट है इस तरफ भी मेरे ख्याल से, यहाँ पे रेस्टोरेंट है, यहाँ पर गेले मुझे कोने में फंसा दिया इन्होंने, चलो भाई शुक्र लिफ्ट खुल गई, भाई आ जाते हैं, मुझे मैसेज करते हैं
जी इस वक्त रूफ टॉप पहुंच तो गए, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि हमें किस तरफ जाना है, किस तरफ बैठना है। तो अभी पूछते हैं भाई, देखो भाई कंफर्म करने के लिए कहाँ जाना है हमने। आसिफ भाई चेक करो भाई, टेबल पकड़ लिए और मेरे साथ आए थे आसिफ भाई और हसन भाई, मेरे साथ ही बैठे हैं और रहमान भाई ने हमें ज्वाइन किया। ये घर से आए क्योंकि इनकी शिफ्ट जल्दी ओवर हो गई थी। हाँ भाई जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप नमाज पढ़ी आपने? नमाज मैंने बिल्कुल पढ़ी, आपके लिए दुआ भी करी। चलिए बहुत शुक्रिया यार। जी पकौड़े हमारे बन चुके हैं, कैबिन में रख देते हैं ओवन में और बनाते हैं रोटी। यहाँ पर भाभी बना रही है पानी। तो गाइस आधा घंटा रह गया, अभी से शरबत फिल कर रहे हैं। तो पल्ला भी तुम्हारे सामने बहुत जूस है। तो गाइस वहाँ पर सब ने जो है ना मैंगो जूस रखा हुआ है और सिर्फ आसिफ भाई के सामने जो ना, और मेरे सामने तो बिल्कुल खाली गिलास है भाई। नहीं मेरे लिए ला रहे वो। पहले तुम्हारा कौन सा जूस है? मेरा पता नहीं कौन सा। पीच पीच है, पीच पीच कुछ समथिंग है, पीच आए से। तो गाइस ये भाई स्पेशली मेरे लिए मैंगो जूस लेके आए हैं, थैंक यू सो मच। अरे भाई हम लोग यहाँ बातों में लगे, वहाँ पर सामने खाना खुल गया लगता है, वहाँ रश चेक करो, खाना खुल गया है ना, तो हमने वही खाना खाना है ना, तो चलो ना उठो ना, चलो जाओ जगह चले आएंगे, पीछे एचआर खड़ी है बिल्कुल इंतजार में। अच्छा स्मार्ट बॉय है, 10 मिनट एक्स्ट्रा बैठे हुए जगह नहीं। तो भाई यहाँ पर जगह का भी खतरा इस वक्त जो ना हमारा एचआर डिपार्टमेंट पीछे ही खड़ा हुआ है, और अगर हमने जगह छोड़ी ना तो बस फिर जगह नहीं मिलेगी। मिल गई जगह, मिल गई एचआर को, मिल गई भी जगह। एक काम करते ना, मैं यहाँ बैठो जगह गेता हूँ, आप जाओ लेकर। आपकी मेहरबानी, जगह चली जाएगी, जगह चली जाएगी भाई। भाई आप एक ही या एक काम कर, जगह रोक भी नहीं सकते, स्ट्रेटेजी बनाते हैं। वो दो गए ना, दो उसके बाद चलते थे। हाँ दो गए ना, क्या स्ट्रेटेजी बनाया? हाँ दो आएंगे फिर हम जाएंगे, ठीक है। ये चेक करें भाई, ये भाई फुल प्लेटर बना के लाए और इनका जो है ना नोमानवे का प्लेटर चेक करें। पिज्जा दिख रहा है, बन कबाब सैंडविच, और आपके प्लेटर में क्या है भाई? ठीक है मोमो से इनके प्लेटर में क्या भाई? इनके प्लेटर में चावल दिख रहे हैं। नहीं नहीं कोई नजर नहीं लगेगी, आप ही खाएंगे। मन भाई क्या कल आए? चल झूठ, ये आपका नहीं है, चलो मैं उठा लेता हूँ। आपका नहीं है ना? आपका नहीं है ना? नो बीटन। क्या क्या लाए? मेरा भाई ये चिकन मकनी है, चिकन कढ़ाई है, और ये वाइट है, ये क्या है? वाइट मटन कढ़ाई। वाइट मटन कढ़ाई, करार भाई की फेवरेट, करार भाई की फेवरेट मटन मटन। ये क्या था? चलें जी अजानों की अफ्तारी स्टार्ट कर दी सबने, और मैं कह रहा हूँ भाई मैं लाया हूँ चिकन कढ़ाई, इसके अलावा मखनी हांडी, वाइट मटन, और इसके अलावा और भी बहुत सारा मेन्यू था, तो खैर मैंने ये चीज़ें लिए हैं, और इसके साथ जो है ना रोगनी नान लिए। आसिफ भाई कुछ अलग आइटम्स लाए हैं, आसिफ भाई की जो है ना प्लेट में पिज़्ज़ा भी दिख रहा था भाई, पिज़्ज़ा भी था यहाँ पे, और इसके अलावा कबाब भी हैं। और ये क्या आसिफ? ये अहमद भाई के लाया था, और ये मलाई बोटी भी थी भाई, मैं ले लूँ एक। तो आसिफ भाई की प्लेट में मलाई बोटी भी थी भाई, तो ये भी जो है काफ़ी मज़ेदार लग रही है, जूसी लग रही है। तो गाइस खाने के बाद मीठे में आशिर भाई मैं ना इस वक्त फोड़ रहे हैं कस्टर्ड, और जो ना इतने सारे गुलाब जामुन भर के लाए। तो खैर ये जो ना सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बाकी सबके लिए भी है। इस वक्त करार भेजना खाना खाते हुए, और बाकी सब खाना हजम करने गए, थोड़ा वॉकशॉप करने गए, वापस आके जो ना फिर ये फोड़ेंगे गुलाब जामुन जो लेके आए। भाई यहाँ पर जो ना आइसक्रीम के लिए वेट कर रहे हैं, जब से ऐसी हो रही है भाई, अभी निकाल लें। बिस्मिल्लाह करते हैं, मैं तो करूँ। चलो पहले तुम करो यार, एक मिनट रुको, पता चल रहा है इसमें
असल में थोड़ा वेट करके ले रहे ना, तो निकालो निकालो अभी, देखो कैसे आती है, बेहतर है। चले जी, हम तो यहाँ से निकलने लगे। अभी भी यहाँ पर ठीक ठाक रश है, ऑफिस के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और इंजॉय कर रहे हैं। आइसक्रीम और चाय का भी इंतजाम था। और यहाँ देखिए गाइस, कितनी क्यूट सी साइकिल बनाई हुई है और बहुत लोगों ने यहाँ पर बैठ के पिक्चर्स लिए। चले भाई, लिफ्ट भी आ गई सही टाइम पे, जैसे ही पहुंचे गाइस लिफ्ट भी आ गई। चले जी, अभी हम निकल गए हैं यहाँ से और काफी मजा आया, काफी इंजॉय किया, काफी अच्छा खाना था और काफी अच्छे लोग भी साथ थे, तो काफी इंजॉय किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हसन भाई मुझे वापस ऑफिस ड्रॉप करेंगे क्योंकि मैंने वहाँ से अपना बैग पिक करना है, बाइक पिक करनी है। और असीफ भाई जो ना अभी तक जो ना खाना एंजॉय कर रहे थे और गैदरिंग एंजॉय कर रहे थे, इसलिए वो हमारे साथ नहीं आए। हालांकि उनकी बाइक और बैग जो ना दोनों ऑफिस में, बैग तो गाड़ी में ना, तो बैग जो ना वो कल ही लेंगे क्योंकि कल हसन भाई ऑफिस आएंगे ना, तो कल ही असीफ भाई का बैग मिलेगा। चलो हसन भाई, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह कल ऑफिस में। ओके अल्लाह हाफिज। उसका बैग है ना? हसन का बैग कहाँ है? इतना कौन सा? दो होंगे मेरे लिए। ये बैग है ना? चले जी, हसन भाई जॉब करके भी चले गए और आसिफ भाई की कॉल आई थी कि भाई मेरा बैग जो ना ऑफिस में रख देना, तो इसीलिए आसिफ भाई का बैग उठा लिया मैंने गाड़ी से और ये ऑफिस में उनके लॉकर में ही रख दूँगा। हमारे लॉकर की चीज़ एडमिन के पास होती हैं, तो एडमिन से चाबियां ले लूँगा आसिफ भाई के लॉकर की। इस वक्त पेडेस्ट्रियन पे कितना अंधेरा गाइस, और सिर्फ मैं ही चल रहा हूँ, पूरा पेडेस्ट्रियन खाली है। तो ये देखेंगे इस पेडेस्ट्रियन में ना किसी ने चारपाई रखी हुई है, ख्याल से यहाँ पर कोई चारपाई डाल के रात को सो जाता है, ये चारपाई लटकी हुई गाइस। अच्छा जी, आज तो मैंने अपनी बेगम से हाल हवाल भी नहीं किया, सुबह जब जा रहा था तो बेचारी नींद से उठ के मुझे अल्लाह हाफिज़ करती, अल्लाह हाफिज़, और जब मैं आया तो भाई मैं जो है ना घोड़े गधे बेच के सो गया। और कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा आपका दिन? बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा जी। आपकी इफ्तार पार्टी कैसी रही? मेरी इफ्तार पार्टी बहुत अच्छी रही, बहुत मजा आया, बहुत बेहतरीन डिशेस थी। आप और मैं भी चलेंगे इफ्तार बुफे पे, ठीक है? अच्छा। इस रमजान में एक इफ्तारी हम जो ना बाहर बुफे पे करेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह। ठीक है जी, डन हो गया। आज आप मैच पर जाएंगे? आज मैं मैच पे सोच रहा हूँ जाऊँ नहीं जाऊँ, अभी तो इतना हार चुका हूँ, अब जो है ना मुझे आज घर में रहना है। अगर हार गया तो फिर तो आप एंट्री बंद कर देंगी। मतलब अब आप जब भी जाएंगे सोच के जाएंगे कि अगर जाना है तो जीत कर आने, वरना नहीं जाना। अच्छा, जीत के आना है? मतलब आप कहना चाहती है पूरी जान लगा दूं मैच में? नहीं, एक बार चलो कोई बात नहीं, कभी कोई बंदा हार, हर बार हार के तो आप हर बार हार के नहीं नहीं, इस बार अभी इंशाल्लाह ना। और एक और चीज मुझे भी बताएं, ये वॉच जो है ना ब्लैक वाली क्यों पहनी? मैंने आपको कहा है कि आप पे गोल्डन सूट करती है। मैंने उतार कर रख दी है। आप पे गोल्डन सूट करती है, गोल्डन पहना करो, गोल्डन जो ना गुड लक होता है, गोल्डन जो ना गुड लक होता है, ब्लैक नहीं पहना करें, गोल्डन पहना करें। ब्लैक बहुत पसंद है, व्हाइट भी बहुत पसंद है, दोनों कलर ही फेवरेट। और मुझे आप पे ना गोल्डन पसंद है, ठीक है? मैं फिर गोल्डन पहनूंगी, ब्लैक नहीं पहनूंगी। वैसे दोनों न्यू है, दोनों एक ही जगह से ली थी, एक ही टाइम पे ली थी ना जी, तो गोल्डन ज्यादा अच्छी लगती है मुझे जी। अच्छा ये बताएं, अभी हल्की फुल्की भूख लगी होगी ना आपको जी? तो फिर साथ खाते हैं बाहर से ना, आपके फेवरेट रोल लेके आता हूँ, चिकन रोल खाने लेकर आइए। फिर मैं यूं गया और यूं आया। और बिलाल भाई कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम किधर जा रहे हो? बाइक खड़ी करनी है, थोड़ा राउंड में जाऊंगा, भी खाना है। आए आए। बाइक को खड़ी वॉक करने जा रहे हो? वॉक करके फिर बाइक खड़ी करके ऊपर आऊंगा। माशाल्लाह आपकी टी शर्ट तो अच्छी लग रही है, ये पुरानी होगी ना? काफी पुरानी होगी ना? पुरानी होगी। हाँ, पुरानी जो टी शर्ट होती है ना, वो बहुत अरसे बाद पहनो ना, काफी अच्छी लगती है, मजा करती है ना? बहुत मजा। क्या बात, दो इसके साथ ही दो। अच्छा, इसके साथ दो और आई है। चलो भाई, आमिर भाई की आवाज आ गई, पानी लगाएगा, लाजिम पानी लगाएगा। हाँ भाई, बिला लिए ना मेरे साथ है। हाँ, ये मेरी शर्ट है। कौन सी आपकी शर्ट है? मेरी शर्ट है। दिखाना, ये मेरी शर्ट है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। मेरी शर्ट है ये, मेरी शर्ट है, लेकिन आप पहन लो, मसला नहीं है। बस कर, सारी शर्ट है ये मेरी शर्ट है। चलो भाई, कौन सा आपकी वाला? चेज़ब का लोगो लगा हुआ है, देखो चेज़ब से ली थी मेरी शर्ट, लिखा हुआ है आइडियाज। हाँ आइडियाज से ली थी, सॉरी।
शर्टें नरम और गरम मिलेंगी आपको मार्केट से। चलो भाई आप जो है ना बातें करो। हाँ जैनब मार्केट से मिलती हैं सदर में और इसके आइडियाज से भी अच्छी मिलती हैं। चलें जी मैं तो जा रहा फातिमा के लिए कुछ खाने के लिए लेने और साथ में ना मेरा पेट खुले क्योंकि एक बुफे में इतना सब कुछ खा लिया ना तो अभी बिल्कुल गुंजाइश नहीं कुछ खाने की। अच्छा जी यहाँ से मैं लेने आया हूँ चिकन रोल्स फातिमा के लिए और फातिमा को यहाँ के रोल्स बहुत पसंद हैं और ख़ास तौर पर यहाँ की चटनी। सहरी के लिए दूध और दही भी यहाँ से लेते हुए जाते हैं। आज यहाँ पर रश नहीं है, जैसे मैंने कहा रश नहीं है तो यहाँ पर एक भाई आगे आगे। चलें जी तो अफ्तारी के बाद नमाज पढ़ की थी उसके बाद अभी करते हैं बर्तन वॉश और किचन की अच्छे से सफाई करते हैं और मुझे झाड़ू भी लगाते हैं। ये नहीं जी मैं यूँ गया था और यूँ जो ना आ गया हूँ। आज जो ना मैं ज़्यादा चटनी डलवा के लाया हूँ और ये दूध भी और दही भी लाया हूँ सहरी के लिए। गाइस जहाँ से रोल लेते ना तो वो जो ना मुझे पहचान गए। आज मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ज़्यादा चटनी दे दीजिएगा क्योंकि उनकी चटनी ना मुझे काफ़ी मज़े की लगती है और फातिमा को भी बहुत पसंद है उनकी चटनी और स्पेशली चटनी के लिए ना कहती कि चटनी ज़रूर लेगा। तो भाई साहब आज जिन्होंने ना एक दो तीन चार चार चटनी की डिप दी भाई देखा जिन्होंने पता क्या करी था ये चटनी की डिप ना 40 रुपीज़ ईच कर दी थी। तो फिर ना काफ़ी कस्टमर्स ने कंप्लेन की भाई आपने चटनी महंगी कर दी। हालांकि पहले ये फ्री देते लेकिन बीच में उन्होंने ना इसके चार्जेस देते 40 रुपीज़ ईच चटनी। तो काफ़ी कस्टमर्स ने कंप्लेन की उसके बाद इन्होंने कस्टमर्स की सुनी और ये ना फ्री ऑफ कॉस्ट करी तो आप फ्री में देते हैं। ये अच्छा हुआ कस्टमर्स की ना सुनते हैं और इन्होंने ना अभी फ्री कर दी इसलिए ना चार चार चटनी दे दी मुझे। अभी आप जल्दी से खा लें ठंडे हो जाएंगे। जल्दी से आ जाएँ। तो यहाँ पर मैंने किचन की सफाई भी कर लिया बर्तन वॉश करने वाले वो भी कर लिए और जो रखने वाले वो भी रख लिया इसी के बाद चूल्हे साफ करने वाले वो मैंने कर लिए और मुझे जो झाड़ू भी लगा लिया। और आप जो है ना आप खाना खा लें रोल ठंडे होने के। चलें चलें। नहीं मैं किचन का काम कर रही थी ना तो आप लेकर आए हैं तो मैं लेके आया हूँ किचन काम बर्तन आपने बोला धो के आती हूँ खाती हूँ ठीक है बर्तन धुल गए फिर आपने झाड़ू उठाया झाड़ू लगाया फिर ये जो काम मैं करती हूँ पूरा कर लूँ ना फिर मैं आराम से खाऊंगा। चलो कर लिया काम हो गया कंप्लीट हो गया। जल्दी से अभी खा लो उसके बाद सहरी का टाइम करीब होगा फिर सहरी में भी खाना मेरे साथ आपने। चलो ठीक है अभी आप जा रहे हैं। अभी मैं नहीं जा रहा आपको खिला के जाऊंगा। अच्छा आप नहीं खाएंगे। हाँ आपको खिला के जाऊंगा और आपकी वॉच जो है ना ये चेंज करवा के जाऊंगा। चलो ठीक है और एक मजे की बात बताऊँ जी आज मैं ऑफिस से लैपटॉप लाया हूँ। अच्छा हाँ आपके दो काम थे ना गाइस मैंने जो ना आईफोन दिया है फातिमा को लेकिन इनकी ना आई क्लाउड आईडी होती है आईफोन के लिए वो नहीं बनाई मेरी ही सेम आई क्लाउड आईडी लगी हुई है तो मुझे जो ना कहती है मेरी अपनी आई क्लाउड आईडी बना के दो अपनी बना के दो। तो आज जो ना मैं लैपटॉप लेके आऊँ और साथ में जो ना इसे देखने थे शादी के एल्बम्स शादी की पिक्चर्स तो आ गई है ना वीडियोस वगैरह अभी तक नहीं पिक्चर्स आ गई है देखनी है। अरे मैंने पहले की बताया पहले आप खाने पे आपको आराम से ना लैपटॉप पे दिखाते हैं। और गाइस आप सब भी कह रहे थे कमेंट्स कर रहे थे कि शादी के एल्बम दिखा दें शादी के एल्बम। फाइनली जो है मुझे पिक्चर्स जो है ना गूगल ड्राइव लिंक मिल गई है उसमें सारी पिक्चर्स है शादी की सारे इवेंट्स की मेरे ख्याल से मायो की है और इसके अलावा वलीमे की है बारात की है और बारात की नहीं है मेरे ख्याल से मेहंदी नाइट की है मायो मेहंदी नाइट दो तीन चार इवेंट्स की ना पिक्चर्स आ गई बाकी वीडियोस वगैरह नहीं आई तो पिक्चर्स जो भी एल्बम आए तो अभी लैपटॉप खोल के हम भी देखते हैं आप सबको दिखाते हैं और आप भी जो ना देख लीजिएगा ठीक है जी। ये क्या हुआ पता नहीं परसों वाले दिन हो गया ठीक हो गया फिर ये तो बहुत ज्यादा खराब हो गए भाई दोनों हाथ देखो भाई से केयर करो यार हर साल ना नहीं यार ये मुझे तो नहीं हो रहा मुझे कभी नहीं हुआ ये स्किन होती है ये उतरती है और फिर न्यू आती है वो अभी कैमरे में देखेंगे अभी दिख रहे हैं सही ये तो बहुत ही अजीब हुए हैं अम्मी को दिखाते हैं चलो अम्मी को दिखाओ ये अभी बर्तन धोने के बाद में या पहले से जब मैंने बेसन बनाया था ना तो बेसन बना के पकौड़े बनाते उस टाइम ये थोड़ी थोड़ी उलझन हो रही थी तो ग्लव्स लेके आऊं आपके लिए बता रहे हैं क्यों नहीं बताया आपको ये तो मुझे भी नहीं पता मैंने खुद फर्स्ट टाइम देखा जो अम्मी से पूछते हैं चलो भाई अम्मी भी आ गए अम्मी हमारे साथ खाना खाएं आपने खाना खाया अच्छा अम्मी इनके हाथों में देखो क्या हुआ है देखो मम्मी को हाथ और ये थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा हो रहा है ये देखो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है किस चीज से हुआ पता नहीं सर से तो नहीं हुआ सर से ही होता है बहुत ज्यादा हो रहा है मम्मी ये देखें डर तो नहीं हो लेकिन ये अजीब सा चिपचिपी वाली बहुत अजीब लग रही है पूरी खाली उतर रही है हाथों की सर्फ तो नहीं लगाया अभी तुमने वो लेमन मिक्स तो सब लगाते हैं मैं भी लगाया नहीं उसकी वजह नहीं हुआ तो फिर
ये जो मैं पकौड़े बनाती ना बेसन से, बेसन बनाया ना बेसन में, हाथ नहीं वैसे बेसन से तो होता है, से भी होता है ये बेसन से, कभी हुआ किसी को? नहीं उसके बाद से मुझे, उसके बाद जैसे मैंने हाथ दे ना बेसन बना के उस वजह से मुझे थोड़ी सी ना वो होती मुझे हाथों पर दर्द तो नहीं रहा, दर्द तो नहीं रहा। चलो स्किन डॉक्टर को दिखा देंगे। नहीं नहीं एलर्जी होती है ये मुझे लसन से होती है ऐसे। अच्छा लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा हो रही है। इसको हो सकता है प्याज काटे थे उससे भी हो सकता है। अच्छा तो मुझे भी लसन से पहले कभी नहीं खारिश हो रही है हाथों पे, यहाँ पे। चलो एक दफा दिखा देना स्किन डॉक्टर के पास, चले जाएंगे एक बार दिखा देंगे। आ जाओ खाना खाओ, खा लिया ना ठीक तो खा के सही। अच्छा हमारे साथ बैठे तो सही भाई, आपके हाथ तो खराब हो गए, आज आपको ना मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। आज जो ना मौका मिलेगा मुझे अपने हाथों से खिलाने का। तो चलिए गाइस आज पहली बार मौका मिला है फातिमा और अम्मी को अपने हाथों से खाना खिलाने का। जी अभी दोनों को खिलाते हैं। अम्मी आपके लिए चटनी लगाऊं? नहीं नहीं। अच्छा ऐसे ही खा ले आप। कैसे लगा? फिर आप एक पूरा खा लेना। गाइज अम्मी पूछ रही है अम्मी बाहर का नहीं खाती है ना, बाहर का नहीं खाते। हाँ अभी जो ना मैं ओवरली बुक्ड हूँ इसलिए मैं नहीं खा रहा। तो फातिमा को जो चटनी बहुत पसंद है तो फातिमा जो है चटनी के साथ खाती। कैसा बना आज? अच्छा बना। अच्छा बने ना जी अम्मी? कहाँ से लेकर आए? ये खड़ा मार्केट से। अच्छा। जहाँ पर हम गए थे ना मीटअप के बाद खाना खाने वहीं से ले गया हूँ, वहाँ की चटनी बहुत अच्छी है। चले। अच्छा जी आज अफ्तार के टाइम पे मैंने फ्रूट नहीं खाए थे तो अभी मेरा बहुत ही दिल कर रहा था वाटरमेलन खाने का, तो बाद में मेरे लिए जो है ना ये कट करके लाएंगी। खाने नहीं खा ले, चले एक तो खाए, थोड़ा सा नहीं पूरा खाने, पूरा नहीं खाना, पूरा खाना। ये क्या एक ही बाइट है? बहुत बड़ा बाइट है। चलो खाए तो सही, ये बाइट था। गाइस जो इसने एक बाइट लिया ना, एक बाइट से भी ना ये 10 बाइट लिए जितना इसने बाइट लिए। चलो भाई अभी वाटरमेलन एंजॉय करते हैं और उसके बाद जो लैपटॉप शैपटॉप खोलते हैं, अभी जो चार्ज भी नहीं तो चार्ज भी करना होगा। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह सहरी कर ली है और सहरी के बाद ना मैंने अम्मी को इन्वाइट किया था कि भाई शादी की पिक्चर्स दिखाऊंगा आप सबको, लेकिन जो ना एक ब्लंडर हो गया, एक छोटा सा ब्लंडर हो गया जिसकी वजह से जो ना पिक्चर्स वगैरह जो ना नहीं दिखा सकता, वो ये सीन है गाइस। मैंने ना बैग में लैपटॉप पैक किया था और इसके अलावा यूएसबी में पिक्चर्स थी, यूएसबी तो नहीं ये यूएसबी USB पिक्चर्स थी, हालांकि लॉकर की चाबी भी है, लेकिन मैं अपना लैपटॉप जो है ना लेके आ गया हूँ, USB लेके आ गया हूँ, लेकिन चार्जर जो है वो लॉकर में रखा हुआ है और लैपटॉप बिल्कुल चार्ज नहीं है, जिसकी वजह से आज का सीन कैंसिल हो गया है और आज जो है ना पिक्चर्स मैं नहीं दिखा सकता, तो ये जो है ना कल ही हो सकता है। अब ठीक है, बहुत बहुत माजरत आपसे, तो कल इंशाल्लाह याद से जो ना मैं लेके आऊंगा चार्जर, सबसे पहले रखूंगा, हमेशा मेरे साथ होता है सब चीजें ले आऊं ना, लेकिन छोटी चीज ऐसी होती है जो मैं भूल जाता हूँ, तो वो आज जैसे मैं चार्जर भूल गया हूँ तो हमेशा मेरे साथ यही होता है, लेकिन इंशाल्लाह कल जो है ना पहले छोटी चीज डालूंगा, चार्जर डालूंगा और उसके बाद USB डालूंगा, फिर लैपटॉप डालूंगा, तो इंशाल्लाह कल लेके आऊंगा, तो कल आप सबको भी दिखाएंगे और अम्मी आपको भी दिखाऊंगा। सही है, मैं आपको मैसेज कर दूंगी, फिर आप रख लीजिएगा बैग में। नेकी और पूछ आज आप मैसेज कर देती, लेकिन आप कैसे करती, आपको तो सरप्राइज देना था मैंने। खैर हो गई, कल जो ना कल आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, रिमाइंडर डाल दीजिएगा, सही है ठीक है। चलें जी बाकी यही करते हैं आज का व्लॉग एंड, और उम्मीद करते हैं आपको व्लॉग पसंद आया होगा, और बाकी जो है ना गाइस ये आइडिया मुझे भी नहीं है, अम्मी को भी नहीं है, फातिमा को भी नहीं है कि फातिमा के जो हाथों में एलर्जी हुई है ये किस वजह से हुई है, तो आप सब भी बताइएगा कमेंट्स में किस वजह से हुई है, बाकी इंशाल्लाह स्किन स्पेशलिस्ट के पास ले जाएंगे फातिमा को, ये दिखाएंगे जरूरी है भाई, ऐसा ना बढ़ जाए क्यों अम्मी? हाँ। ये दिखाना जरूरी है ना, छोटी छोटी चीजें ना बड़ी हो जाती है फिर, बाकी आपने ना केयर करनी है जी। अब फातिमा कह रही है ये बेसन पकोड़े वाले बेसन की वजह से हुआ है और अम्मी कह रही है ये प्याज की वजह से हुआ है, अब मेन रीजन नहीं पता, वो तो डॉक्टर बताएंगे भाई किस रीजन की वजह से हुआ है, बाकी अल्लाह खैर करे, ज्यादा बड़ा मसला नहीं है क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में देखा है। अभी दिखाना अपना हाथ, अभी दिखाना अपना हाथ, वैसे ही थोड़ी देर के बाद फिर वैसे फिर मैं थोड़ा सा वो कर लेती हूँ। नहीं खारिश मत करो ना, खारिश होती है ना फिर, नहीं खारिश मत करो, खारिश तो नहीं कर रही। हाँ होगी खारिश लेकिन आप मत करो, इसकी कोई ट्यूब वगैरह मिलती होगी जिसको लगानी होगी मेरे ख्याल से, ताकि आप खारिश करेंगी ना तो और मजीद जो है ना होगा। ये भी है। जी ये भी है। चलो ख्याल रखो भाई,
चलें जी यहीं करते हैं आज का व्लॉग एंड, और उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शादी के एल्बम के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टाटा अल्लाह हाफिज़।